वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही एक बिजनेस रही है, लेकिन एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्में बनती थी तो वहां पर सिनेमा और ऑडियंस दोनों की इज्जत करी जाती थी, लेकिन लगता है अब वो समय जा चुका है। अब फिल्में नहीं बल्कि प्रोडक्ट बनते हैं, जहां पर पिछली फिल्मों को यूज करके अभी की फिल्मों को बेचा जाता है। दिवाली के इस हफ्ते रिलीज हुई सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 इस बात का प्राइम एग्जांपल है। ये दोनों ही फिल्में मैंने बैक टू बैक देखी और इन दोनों को देखने के बाद मुझे लगा कि इन दोनों फिल्मों का साथ रिव्यू करना ही बेटर होगा। तो भाई शुरुआत करते हैं सिंघम के साथ। इस बार सिंघम की कहानी रोहित शेट्टी जी ने वहीं से शुरू करी है जहां पर सूर्यवंशी खत्म हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग टच देने के लिए इसमें रामायण वाला एंगल भी जोड़ दिया है। इस बार दिखाया गया है, पिछली फिल्म में उन्होंने जैकी श्रॉफ के उमर खालिद के करेक्टर को टीज किया था, वहां पर इस फिल्म की शुरुआत में उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन वहां से वो बोलता है कि अब जाके जो आने वाला है उसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। अब यहीं से कहानी में पूरा रामायण वाला एंगल चालू हो जाता है, जहां पर अर्जुन कपूर के करेक्टर को एक तरीके से रावण दिखाया गया है और बाकी सारे करेक्टर्स जिनके बहुत सारे आपको कैमियोस देखने को मिलेंगे उन सबको रामायण के अलग अलग करेक्टर के साथ जोड़ा गया है। तो ये एक सार में सिंघम की कहानी थी, लेकिन आपको साफ साफ बताऊं तो इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ रामायण वाली जो इसमें कहानी दिखाई गई है जहां पर सीता जी का अपहरण होता है वो आपको कुछ जगह पे इंट्रीक करेगी, क्योंकि आप रामायण की कहानी से बिल्कुल फेमिलियर हैं। फिल्म में वैसे तो रामायण रामायण की बहुत बात करी गई है, लेकिन इस रामायण को लेकर भी पूरी कमिटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई करेक्टर्स रामायण के डाले गए हैं, लेकिन उन करेक्टर्स का जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे इसमें टाइगर श्रॉफ को लक्ष्मण के करेक्टर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पूरी फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण जैसा कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देंगे। रणवीर सिंह को इस फिल्म में इस तरीके से बफूनरी करते हुए आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि ये आदमी वाकई में कोई जोकर है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रणवीर सिंह को इस फिल्म में हनुमान जी के करेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जो कि मुझे बहुत ही इंसल्टिंग लगा। इसके अलावा भी उन्होंने कन्वीनियंटली इस फिल्म में बहुत सारे कैमियोज जोड़े हैं, कुछ इस फिल्म में क्यों है वो आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि इसमें दीपिका पादुकोण का करेक्टर क्यों है वो नहीं भी होती तो भी चल जाता। फिल्म में इतना कम एफर्ट डाला गया है बनाने के लिए कि जब फिल्म स्टार्ट होती है और जो एक्शन सीक्वेंस आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं वहां पर भी मजा नहीं आता है, बल्कि ऐसा लगता है कि यार एक्शन तो रोहित शेट्टी का एक फोटे हुआ करता था, वहां पर भी मेहनत नहीं करी गई है। सिर्फ फिल्म में 2-3 चीजें ऐसी है जो आपको इम्प्रेस करती है। एक सीन वो है जहां पर अर्जुन कपूर के करेक्टर को पेश किया जाता है, वो पेशकश बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी जाती है और उनके करेक्टर का सेटअप बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता है। वो पूरा जो पुलिस स्टेशन वाला सीक्वेंस है वो देखने में भी काफी बढ़िया लगता है। इसके अलावा फिल्म में जब टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री होती है वो पूरा सीक्वेंस ही मुझे बहुत बढ़िया लगा। बट इन सब को मैं हटा लूं तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको देखने लायक लगेगा। भाई फिल्म का क्लाइमैक्स तो इतना ज्यादा खिचड़ी है कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि वाकई में यार ये चल क्या रहा है। पूरी फिल्म में जो रामायण के नाम पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है वो फ्रेंकली काफी इंसल्टिंग लगती है, और इसी वजह से अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने को जाओगे तो आपके पैसे तो बर्बाद होने पक्के हैं ही, आपको इसमें रामायण का ये पोर्ट्रेयल देखकर काफी गुस्सा भी आएगा। और अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया है तो इस फिल्म में आपके लिए वैसे भी देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, क्योंकि फिल्म में जो कुछ भी है वो इसके ट्रेलर में वैसे भी सब कुछ दिखा ही दिया गया है। इवन परफॉर्मेंसेस भी इस फिल्म में ऐसी एक भी नहीं है जिसकी तारीफ करी जाए। सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इस फिल्म में मुझे अर्जुन कपूर की लगी, जो वाकई में रावण वाले करेक्टर के रूप में अच्छे जचे हैं। बट उनके अलावा इस फिल्म में कोई ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ करी जाए। भाई कॉमेडी भी इस फिल्म में जो डाली गई है वो काफी ज्यादा क्रिंज आउट करती है, स्पेशली इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कुछ सीन जहां पर टाइगर श्रॉफ इसमें कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं वो देखकर आपको बड़ी खींच भी होगी और क्रिंज आउट महसूस करोगे। तो ये तो मैंने बात करी अभी सिंघम की, अब आते हैं भूल भुलैया 3 पे। तो भाई भूल भुलैया 3 वो फिल्म है जो कभी बनाई नहीं जानी चाहिए थी। भूल भुलैया 1 अपने टाइम पर आई हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी, जिसमें मेंटल सिकनेस वाले आस्पेक्ट को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया था। वो फिल्म इसी वजह से एक आइकॉनिक फिल्म बन गई थी। लेकिन भूल भुलैया 2 जब आई और आने के बाद वो चल भी पड़ी तो मेकर्स को लगा कि यार इससे बढ़िया पैसे कमाने की कोई गारंटी है ही नहीं, तो उन्होंने भूल भुलैया 3 भी बना दिए। लेकिन जहां मैंने सिंघम की बात करी कि वहां पर कहानी नहीं है, यहाँ पर तो कहानी की बात छोड़ो, यहाँ पर तो इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई बात भी करी जाए। किसी प्रकार का नुवांस, कोई भी नई चीज आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेगी। फिल्म में कॉमेडी भर भर के डाली गई है, लेकिन एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें आपको हंसी आ जाएगी। आपको इस फिल्म में वही घिसे पिटे व्हाट्सएप वाले जोक्स देखने को मिलेंगे जो आप बरसों से सुनते हुए आए हो। रू बाबा के रूप में इसमें कार्तिक आर्यन जितनी भी कॉमेडी करते हैं
उसमें हंसी छोड़ो स्माइल भी नहीं आती है। ऐसे ऐसे जोक्स है इस फिल्म में, जैसे इसमें राजपाल यादव अपनी बैलगाड़ी को बोलते हैं रोल्स रॉयस, एक बैल का नाम रोल्स दूसरे का रॉयस, ऐसे ऐसे बचकाने जोक्स इसमें भरे गए हैं और एक्सपेक्ट किया गया है ऑडियंस बहुत जोरों से हंसेगी। राजपाल यादव और संजय मिश्रा को जब आप इस फिल्म में कॉमेडी करते हुए देखोगे तो उन पर हंसी कम बल्कि दया ज्यादा आएगी कि यार इन एक्टर्स को किस तरीके का रोल दिया गया है। वो एक और बात को देखकर दुख होगा कि भूल भुलैया की लेगेसी को इस फिल्म में किस तरीके से टार्निश किया गया है। मुझे नहीं लगा था कि किसी फिल्म में मेरे को विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग को देखकर क्रिंज आउट महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर महसूस होता है। फिल्म में सभी कैरेक्टर्स ने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है कि ट्रस्ट मी आपको यकीन नहीं होगा। कई जगह पर कार्तिक आर्यन आपको ऐसा लगेगा जैसे अक्षय कुमार को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लैट आउट फेल भी होते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जहां पर एक प्रकरण दिखाया जाता है जिसके बाद मंजोलिका नाम की एक भूतनी का जन्म होता है। अब 200 साल के बाद इसी कहानी में वापस एंट्री लेते हैं रूह बाबा की, जिनको बताया जाता है कि ये पुनर्जन्म है एक ऐसे इंसान का जिसका इस कहानी में अब बहुत ही बड़ा स्थान है। अब रूह बाबा जब इस फिल्म में एंट्री करते हैं उसके बाद क्या क्या आपको देखने को मिलता है और इन सब कारनामों के बाद में एंड में रिवील होता है कि मंजोलिका आखिर है कौन और वो चाहती क्या है। तो भाई सीधे और साफ लफ्जों में मैं बताऊं, ये फिल्म ना तो कॉमेडी है ना तो हॉरर है, क्योंकि आपको ना तो हंसी आएगी ना कभी डर लगेगा। फिल्म में आपको बहुत सारे सीन्स तो ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका कोई पे ऑफ ही नहीं मिलेगा। जैसे कि फिल्म में एक सीन है जहां पर एक राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है और वो रानी घूंघट में रहती है। पूरी फिल्म में उसको टीज किया जाता है लेकिन फिल्म खत्म हो जाएगी पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो दिखाया भी क्यों जा रहा था। इसके अलावा भी आपको इस फिल्म में इतने सारे बेबुनियादी सीन देखने को मिलेंगे जिसका ना सर होगा ना पैर। पूरी फिल्म में सिर्फ एक बात तारीफ करने लायक है, वो है इस फिल्म के VFX जो कि काफी बेहतरीन है, बट उसको हटा लूं तो इस फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस फिल्म में फ्लैट लगता है। इवन फिल्म के क्लाइमेक्स में जब मंजोलिका के राज का पर्दा उठता है और वहां पर फिल्म एक सीरियस टॉपिक को रेस करने की कोशिश करती है तो उस बात का भी इम्पैक्ट नहीं आ पाता, बल्कि कहीं कहीं जगह पर तो वहां पर भी हंसी आती है क्योंकि इस सीरियस टॉपिक को पूरी फिल्म के दौरान कहीं पर भी सेटअप ही नहीं किया जाता है। तो भाई एंड में मैं यही बोलूंगा, ये फिल्म भी पूरी तरीके से कैश ग्रैब है और बिल्कुल आप इस फिल्म से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। तो भाई ये था मेरा रिव्यू सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का। इन दोनों के बीच में इस हफ्ते कंपटीशन था कि कौन सी फिल्म बड़ी हिट होगी। इस कंपटीशन पर तो मैं बात नहीं करूंगा लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि जहां तक अच्छी और बुरी होने की बात है तो एक फिल्म कुआ है तो दूसरी फिल्म खाई है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां कूदना है या फिर ना कूद के अपने आप को बचाना है। तो भाई ये था मेरा रिव्यू सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आप या आपका कोई जानकार इस फिल्म को देखने की सोच रहा है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।